हेलो पेरेंट्स वेलकम टू वेलफेयर एजुकेशन नमस्कार दोस्तों वेल्फेर एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है सो आज बात करते हैं बी के ऊपर एक जो आरटीआई हमने क्वेश्चंस फाइल किए थे ठीक है आरटीआई डाला था कुछ क्वेश्चंस पे तो उन क्वेश्चंस का जो रिप्लाई है वो आज मिल गया तो सबसे पहले आप एक चीज़ देख सकते हैं हमने डाला था जो रिक्वेस्ट डाला था तेरह दस को ठीक है आर फाइल की थी हमने तेरह दस को और रिप्लाई आज आ रहा है उन्नीस ग्यारह को लगभग एक महीने से भी ज़्यादा टाइम ले लिया इस आर की क्वेरी ने रिजॉल्व uh, होने में ठीक है तो इस आर का आंसर हमें आज मिला है ठीक है तो क्या क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन थे आपकी क्यूरीज पे बेस्ड ठीक है तो जैसा पहला क्वेश्चन था वो था कि नंबर ऑफ एप्लीकेशनस कैटेगरी वाइज पूछे थे हमने कि क्या है इस एडवर्टाइजमेंट में ठीक है जितनी भी वैकेंसीज हैं इसके अंदर उसके अंदर किस किस कैटेगरी में कितने कितने लोगों ने अप्लाई किया है ये क्वेश्चन था ठीक है इसका आंसर हमें बहुत अच्छी तरीके से मिला है जैसा कि हमेशा से होता है कि वैकेंसीज़ आराम से डिस्क्लोज कर देते हैं वो कितने लोगों ने अप्लाई किया है ठीक है दूसरा क्वेश्चन है क्या नाइलिट का ए लेवल का जो कोर्स है वो एन के लेवल सिक्स के बराबर होगा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में तो देखते हैं इसका क्या रिप्लाई मिला है हालांकि क्लियर कुछ भी नहीं किया है इस क्वेश्चन में और थर्ड वन इज व्हाट इज दी एग्जामिनेशन डेट फॉर दोस्ट ऑन इन दिस एडवर्टाइजमेंट इस एडवर्टाइजमेंट में जितने भी आ, पोस्ट हैं उनके एग्जाम कब होंगे ये हमने पूछा था तो इसका भी जो है कुछ रिप्लाई नहीं मिला है तो बात करते हैं बढ़ते हैं स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को ठीक है तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो कुछ इस तरीके से दिया है बी ने बहुत अच्छी तरह दिया है ठीक है जितनी भी पोस्ट हैं उनका कैटेगरी वाइज दे दिया है ठीक है देख सकते हैं आप जैसे ये असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन एंड फिनेंस में टोटल आठ लोगों ने अप्लाई किया है असिस्टेंट डायरेक्टर लाइब्रेरी में देख सकते हैं आप कैटेगरी वाइज इस तरीके से लोगों ने अप्लाई किया हुआ है ठीक है और असिस्टेंट डायरेक्टर एम एंड सी ए इसके अंदर जो है टोटल पाँच सौ बारह लोगों ने अप्लाई किया है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की अगर बात करो हालांकि लेवल सिक्स का सर्टिफिकेट वहाँ पर लगाया गया था मांगा गया था एन का ठीक है उसके बाद भी तेरह हज़ार पाँच सौ उनतालीस लोगों ने अप्लाई कर दिया गाइस तो आप देख सकते हैं कंपटीशन कितना टफ है राइट आ, मुझे लगता है बीटा कंप्यूटर साइंस वाले लोगों ने बिल्कुल अप्लाई किया होगा यहाँ पर क्योंकि उन्होंने एग्जैक्टली exactly क्लियर ही नहीं किया था कि एन एस लेवल सिक्स क्या है ठीक है तो बिल्कुल अप्लाई किया होगा ए में तो ई के चार लोगों ने अप्लाई किया है अनरिजर्व का चार लोगों ने अप्लाई किया है ओ बी सी तीन हजार पाँच सौ चालीस इस तरीके से टोटल तेरह हज़ार पाँच सौ उनतालीस लोगों ने अप्लाई कर दिया है ए एस ओ के लिए ठीक है बात करते हैं जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट ठीक है जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट में टोटल आठ हज़ार एक सौ इकतालीस लोगों ने अप्लाई किया है, जिसमें सबसे ज़्यादा एस सी कैटेगरी इकतीस सौ छियासठ लोगों ने अप्लाई किया है जनरल के एक हज़ार नौ सौ छः यानी उन्नीस सौ छः लोगों ने और ई डब्ल्यू एस के दो सौ बहत्तर यानी टू सेवेंटी टू लोगों ने अप्लाई किया है कुछ इस तरीके से टोटल आठ हजार एक सौ इकतालीस लोगों ने अप्लाई किया जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी की बात करू तो EWS की पोस्ट थी तो के लोगों ने अप्लाई किया लाइब्रेरी असिस्टेंट में टोटल लोगों ने अप्लाई किया है जिसमें से अनरिजर्व ने इकहत्तर लोगों ने अप्लाई किया और ईडब्ल्यू एस के मात्र दो लोगों ने अप्लाई किया है इसमें राइट आगे बढ़ते हैं पर्सनल असिस्टेंट ठीक है पर्सनल असिस्टेंट में टोटल दो हजार एक सौ इक्यावन लोगों ने अप्लाई किया जिसमें से अनरिजर्व के छह सौ छियानवे और ई के तिरसठ लोगों ने अप्लाई किया है बात करते हैं धमाकेदार पोस्ट की सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट जहाँ पर कोई भी कंप्यूटर का क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया था वहाँ पर अट्ठावन हज़ार आठ सौ तिरसठ जिसने कॉम्पटिशन कितना टफ़ है अट्ठावन हज़ार आठ सौ तिरसठ लोगों ने अप्लाई किया है जिसमें से ई के पच्चीस सौ लोगों ने और अनरिजर्व के सत्रह हज़ार दो सौ उनतालीस लोगों ने अप्लाई किया हुआ है यहाँ पर टोटल अट्ठावन हज़ार आठ सौ तिरसठ यानी उनसठ हज़ार फिफ्टी नाइन के लोगों ने अप्लाई किया है ठीक है स्टेनोग्राफर की है, अगर बात करूँ तो यहाँ पर टोटल तीन हजार चार सौ सत्तानवे लोगों ने अप्लाई किया और ईडब्ल्यू uh, के एक सौ तिरपन लोगों ने और जनरल जनरल के एक हज़ार पैंतीस लोगों ने अप्लाई किया है राइट और सेकंड क्वेश्चन जो हमने लिखा था यहाँ पर uh, क्या जो है एनएसक्यूएल एनएसक्यूएफ क्यू के लेवल सिक्स के बराबर है नाइलेट का ए लेवल का कोर्स तो उन्होंने क्लियरली एक स्टेटमेंट लिख दी जो कि बिल्कुल भी क्लियर नहीं है प्लीज रेफर टू द एडवर्टीजमेंट एंड ऑल्सो रेफर टू बी रिक्रूटमेंट टू एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस एंड अदर पोस्ट रेगुलेशन ट्वेंटी ट्वेंटी विच इज अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन ऑन बी आई एस वेबसाइट एन एस क्यू एफ लेवल सिक्स इज मैंडेटरी फॉर दी पोस्ट ऑफ ए एस ओ तो कुछ भी क्लियरेंस नहीं दी बोला कि हमारी वेबसाइट पर जाकर पढ़ो और एडवर्टीजमेंट पढ़ो तो क्या पढ़ें खाली एन एस क्यू एफ लेवल सिक्स ही पढ़ना पड़ रहा है हर जगह राइट right? आगे बात करते हैं थर्ड वन एग्जाम डेट के लिए लिख दिया प्लीज़ विजिट बी आई एस वेबसाइट फॉर अपडेट्स जैसा कि हर आर टी आई में रिप्लाई आता है तो गाइज ये जो है रिप्लाई आया है ई का आपने जो देख लिया ठीक है तो वैकेंसीज क्लियर हुई लेकिन एग्जाम डेट और एनएस्यू एफ लेवल सिक्स और लेवल फाइव का कुछ भी क्लियरेंस नहीं मिला राइट तो अंत में यही कहूंगा ऑल बेस्ट ठीक है तो तैयारी करते रहें ठीक है खास करके एस एस वालों ने देख लिया होगा कितना कंपटीशन रहने वाला है इस पर्टिकुलर वैकेंसी में राइट और जो एस है उसमें भी काफ़ी लोगों ने अप्लाई कर दिया हालांकि एस एस में कम लोगों ने अप्लाई किया जे एस में ठीक है तो क्वालिफिकेशन की वजह से थोड़ा सा वेरिएबल देखने को मिला है यहाँ पर अदरवाइज कंपटीशन बहुत टफ है कहीं भी कंपटीशन कम नहीं है आपको uh, सबसे आगे ही चलना पड़ेगा एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाकर तैयारी करें एग्ज़ाम तो बिल्कुल होगा ठीक है ऐसा नहीं एग्ज़ाम नहीं होगा एग्ज़ाम बिल्कुल होगा कैंसिलेशन का होता तो कुछ ना कुछ खबर मिल जाती ठीक है तो ये दिमाग में कभी नहीं रखना कि एग्जाम कैंसिल होगा अरे कैंसिल हो भी गया एकदम वर्स्ट केस एकदम वर्स्ट केस में अगर कैंसिल हो भी जाता है तो आप कहीं ना कहीं मजबूत हो रहे हैं कहीं ना कहीं, कहीं पक रहे हैं तो वो पकते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए ठीक है थेके? कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं बिल्कुल इसे अपना चैनल समझकर सो ऑल द बेस्ट गाइस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें सब्सक्राइब करें ऐसा मैं बहुत ही कम बोलता हूँ सो ऑल द बेस्ट गाइड प्रिपेयर वेल स्पेशली फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम राइट All the best guys, bye bye. Take care.